और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे पीसीसी से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में मौजूद है और देखिए किस तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, क्योंकि बलिदान दिवस है आज राजीव गांधी का। आज ही के दिन राजीव गांधी हम सभी को अलविदा कह गए थे और पीसीसी में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जहां सभी कांग्रेस के दिग्गज मौजूद हैं और एक एक कर सभी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, उन्होंने पुष्प अर्पित किए, उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा और फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रताप सिंह खाचरियावास समेत ममता भूपेश तमाम दिग्गज इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान की राजनीति के तमाम वो बड़े चेहरे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और सभी नम आंखों के साथ में राजीव गांधी को याद कर रहे हैं। और देखिए इससे पहले तस्वीरें आपको दिल्ली की भी दिखाई थी जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे और उन्होंने भी राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे और राजीव गांधी को याद किया गया था। और ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, तस्वीरों के माध्यम से राजीव गांधी की जीवनी को लेकर जानकारी भी आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह का राजीव गांधी का राजनीतिक सफ़र रहा, किस तरह से वो राजनीति के अंदर आए, क्या क्या क्रांति राजीव गांधी लेकर आए, किस तरह की बदलाव की क्रांति देखने को मिली। और ऐसे में ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ ही में राजीव गांधी की जीवनी के बारे में भी आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं कि 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी पहले नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के निधन के बाद में अपने राजनीतिक कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली और बखूबी पार्टी का नेतृत्व किया। और देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की ये तस्वीरें हैं, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के नाती थे राजीव गांधी और साथ ही में भारत के सातवें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी का विवाह सोनिया गांधी से हुआ था जो उस समय इटली की नागरिक थी। और ऐसे में देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार आपको साझा कर रहे हैं कार्यक्रम की कि किस तरह से आज नम आंखों के साथ में पूरा देश राजीव गांधी को याद कर रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी बने हुए हैं। योगेश जी, राजनीतिक सफर को लेकर राजीव गांधी के जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, नेतृत्व उन्होंने कांग्रेस पार्टी का किया था। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी की शान थे। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें संबल देने का काम किया। जैसे मैंने पहले कहा कि राजीव गांधी उन नेताओं में से थे जिनके बनाए हुए नेता या जिनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने वाले नेता आज राजस्थान के कई प्रांतों में वो वहां की कांग्रेस को चला रहे हैं, वहां की कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। सुखजिंदर रंधावा जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, एक जमाने में राजीव गांधी ने इन्हें आगे बढ़ाया था पंजाब की राजनीति में। रंधावा के पिता भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे पंजाब कांग्रेस पार्टी के, और एक तरह से कहा जाए तो बड़ी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की है तो राजीव गांधी के बताए हुए रास्ते पर आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। और बहुत ही दर्दनाक दिन था जब राजीव गांधी बम विस्फोट में उसकी हत्या कर दी गई थी। और लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को शायद पता भी होगा या नहीं होगा कि राजीव गांधी जिस सभा में जा रहे थे उसी दौरान चाहे देश की टॉप सीक्रेट खुफिया एजेंसियां हो या आईबी हो के प्रमुख अधिकारी हो, सबने उन्हें मना किया था कि आपकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि अलगाववादी संगठन आपके खिलाफ को बड़ी योजना बना रहे हैं।
लेकिन राजीव गांधी नहीं माने और उस कार्यक्रम में गए और उसी अंदाज से वो लोगों से मिलते थे, प्रेम से मिलते थे, और तभी ये हादसा हुआ और ये एक दर्दनाक मौत उनकी हुई। ये कहा जा सकता है कि देश के लिए वो बलिदान हुए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो देश के लिए किया था, उन्होंने जो कुछ किया वो देश की अखंडता और एकता के लिए किया। राजीव गांधी ही वो राजनेता थे जिन्होंने ये कहा था कि एक रुपया अगर केंद्र सरकार देश के कल्याण पर, देश के लोगों पर देती है तो नीचे तक 25 पैसे ही पहुंचते हैं। एक तरह से बहुत ही भले इंसान वो कहे जाते रहे, बहुत ही दिल से कहने वाले इंसान होते। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद दूर दराज के अंचलों, गाँव, ढाणियों तक की यात्रा की। प्रधानमंत्री के तौर पर वो अगर विदेशों में भी गए तो गांव और ढाणी तक भी पहुंचे और उन्होंने उनकी यात्राओं के अलग अलग वृत्तांत सामने आते हैं। गाँव के लोगों से मिलना, उनकी बातों को जानना, राजीव गांधी फिर अलहदा नहीं कहते, इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि अशोक गहलोत राजीव गांधी के आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़े, राजीव गांधी का मार्गदर्शन अशोक गहलोत को मिला। जिस कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने थे अशोक गहलोत, उस समय राजीव गांधी का सहयोग मिला। कहा जा सकता बहुत लंबे समय से राजीव गांधी को लेकर तमाम जो अलग अलग तरह की उनसे जीवन से जुड़ी बातें हैं, उन्हीं से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सीखता आगे बढ़ता है। और बिल्कुल योगेश जी, देखिए आज के दिन को कोई नहीं भुला सकता, क्योंकि आज ही का दिन था राजीव गांधी हम सभी को अलविदा कह गए थे, पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे, इस वक्त कौन कौन मौजूद है? देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री गहलोत की मौजूदगी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मौजूद है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, जलदाय मंत्री भाई जोशी है, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरे आवास है, मंत्री ममता भूपेश है, और इसके साथ ही पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रवाल मौजूद है। अगर हम विधायकों की बात करें, अमीन कागजी है, प्रशांत बैरवा है, पूर्व मंत्री अश्करी ठाक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा है, ब्रज किशोर शर्मा है, और इसके साथ ही और प्रमुख नेताओं की मौजूदगी यहाँ मौजूद है। अर्चना शर्मा यहाँ पर मौजूद है, मुमताज मसीह यहाँ पर मौजूद है, और कांग्रेस के तमाम प्रमुख कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो प्रमुख लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी है। योगेश जी, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जयपुर के अलावा और कहां कहां पे इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? ये पूरे प्रदेश भर में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर, उनके बलिदान दिवस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई है, सभी जिला स्तर पर सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर में इस तरह के आयोजन है। विधायक रफी खान भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, वो भी पहुंचे हैं, प्रमुख नेताओं की मौजूदगी है, निर्दलीय विधायक आलोक केजरीवाल वो भी कार्यक्रम में मौजूद है। तो याद किया जा रहा है, ये गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, और कई नेता जो इस वक्त राजस्थान के प्रमुख नेता है जिन्होंने राजीव गांधी के साथ काम किया था, वो अपने महबूब नेता को याद कर रहे हैं और उस दौर में खोए हुए हैं जिस दौर में राजीव गांधी का युग हुआ करता था, राजीव गांधी का समय हुआ करता था। राजस्थान का जो ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का जो भवन और ये जो सभागार है, इसे राजीव गांधी सभागार कहा जाता है। यहीं पे राजीव गांधी की एक मूर्ति लगी हुई है, और इसके साथ खास बात यह है कि इसी सभागार का शिलान्यास खुद राजीव गांधी ने किया था।
लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी सभागार में उनकी मूर्ति लगेगी। बहुत ही युवा नेता और बहुत ही कम आयु में उनका निधन हो गया। देश को अत्याधुनिक बनाने, देश की पीढ़ी को आगे ले जाने, कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी कहे जाते हैं। आज उनकी सोच थी कि आज पूरी दुनिया जिस सोच पर चल रही है, उस सोच को राजीव गांधी ने जमाने में माप लिया था या सोच लिया था और इसीलिए आगे बढ़ाने का काम किया, देश को सोच देने का काम किया। योगेश जी, इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद में कांग्रेस की कमान राजीव गांधी ने ही संभाली थी, क्या लगता है क्या कुछ बदलाव उसके बाद कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला? आपने ध्यान ही होगा किस तरह से मृत्यु हुई। जी बिल्कुल, राजीव गांधी कभी भी राजनीति में आना नहीं चाहते। जी, राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा क्योंकि इंदिरा गांधी जो उनकी माता है उनको उनके घर में अलगाववादियों ने गोली मार दी थी। उससे कुछ समय पहले उनके भाई जो राजनीति में थे संजय गांधी, उन वो दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तो राजीव गांधी ही थे कि जो राजनीति में आए और अपने परिवार की विरासत को संभाले। राजीव गांधी तो पायलट थे, वो हवाई जहाज उड़ाते थे और अपनी उनकी अलग दुनिया थी, राजनीति से परे और राजनीति के लिए वो बने भी नहीं थे। लेकिन समय बदला, इंदिरा गांधी की असमय मौत ने पूरे देश में और पूरे देश के कांग्रेसियों में ये भावना पैदा की कि राजीव गांधी को आगे आकर कांग्रेस पार्टी को संभालना चाहिए। और उस यही कारण रहा कि राजीव गांधी आगे आए। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद तो चुनाव हुए, 84 के चुनाव, 85 के चुनाव में राजीव गांधी देश की लोकसभा में उन्होंने अमेठी का प्रतिनिधित्व किया, वो अमेठी से सांसद बने और उसके प्रधानमंत्री का और प्रचंड बहुमत उस समय कांग्रेस पार्टी को मिला था। उस समय पूरे देश में विरोधी दल या कहीं जनता पार्टी की केवल 2 सीटें आई थी, प्रचंड बहुमत के साथ उस समय कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार बनी। राजीव गांधी उसके सरकार के अगवा रहे, प्रधानमंत्री बने और तब राजीव गांधी के विजन को लोगों ने जाना, लोगों ने समझा और उस पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। इसको लेकर राजीव गांधी ये सोचते थे कि ये पीढ़ी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेगी, यह पीढ़ी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जाएगी। राजीव गांधी की सोच सही साबित हुई। अशोक गहलोत राजीव गांधी की खोज थे। मध्य प्रदेश की बात करें, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेता को आगे बढ़ाने का काम राजीव गांधी के समय हुआ। हम दक्षिण भारत की बात करें तो राजीव गांधी का एक पूरा अलौकिक मंडल था और बहुत ही अलग तरह का उनका नेतृत्व था। जी, अब आप सुन सकते हैं किस तरह से महात्मा गांधी की जी बिल्कुल प्रिय भजन को यहाँ गाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। योगेश जी, क्योंकि देखिए राजनीतिक सफर की हम बात कर रहे हैं तो जब राजनीति में राजीव गांधी आए थे तब देखा गया था कि एक क्रांति की लहर वो लेकर के आए थे, पार्टी का नेतृत्व उन्होंने इतना शानदार किया था, जनता के दिलों पर उस वक्त राज भी किया था। उस वक्त की राजनीति के और अभी की राजनीति पे अगर फर्क समझे क्या कुछ देखने को मिलता है? ठीक है, राजीव गांधी के जमाने की राजनीति में कहा जा सकता है कि आज के जैसा माहौल नहीं था। जी, सिद्धांतों की राजनीति हुआ करती थी। राजीव गांधी खुद बहुत ही, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत ही भावुक इंसान थे, दिल से बहुत सच्चे इंसान थे, उनके अंदर कपट भावना नहीं थी। जो आरोप उन पर लगाए गए थे भोपाल के, वो भी आगे जाकर निर्मूल साबित हुए, गलत साबित हुए। लेकिन राजीव गांधी की सोच थी कि देश को आधुनिक बने, देश की नई पीढ़ी आगे बढ़े। जब कंप्यूटर क्रांति उन्होंने लाने की सोची थी तब उनका विरोध किया गया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आज सब हमारे हाथों में मोबाइल फोन्स हैं,
आज वही कंप्यूटर क्रांति ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली। और अगर राजीव गांधी उस जमाने में ऐसा नहीं करते तो भारत एक पिछड़ा हुआ देश कहलाता। राजीव गांधी ने अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ाया। तो जैसा मैंने पहले कहा, तो ये बहुत ही तार्किक बात है कि जितना वो विदेशों में घूमे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, और रूस के साथ उनके जमाने में जो संबंध थे वो तो बहुत ही गहरे संबंध रहे। राजीव गांधी वैश्विक नेता थे, यूनिवर्सल लीडर थे, पूरी दुनिया में उनका नाम था, उनकी सोच की प्रशंसा होती थी। लेकिन इसके अलावा राजीव गांधी गांव के भी नेता थे, ग्रामीण अंचल के भी नेता थे। वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक दिल्ली के बाहर की थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दिल्ली में होती है, लेकिन रायसीना हिल्स पर बने दफ्तरों में होती है या प्रधानमंत्री आवास पर होती है। लेकिन उन्होंने वो बैठक बाहर करी और खूब दौरे भी उन्होंने गांवों के किए, चाहे प्रधानमंत्री बनने के बाद किए हों, चाहे ये कहा जा सकता है कि उसके बाद किए हों। और जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों से मिलना बहुत पसंद था उन्हें जी, वो लोगों से मिलने में, ग्रामीण लोगों से मिलने में बहुत पसंद था, बहुत दिल से मिलते थे। और यही बात उनके जीवन के लिए संकट का कारण भी बनी। जिस तरह से लोगों से बड़ी आत्मीयता से मिलते थे, और यही कारण है कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की बात को नहीं माना और भीड़ के बीच वो ऐसे चले जाते थे मिलने के लिए, अपनापन लिए हुए। और एक दिन इसी तरह अलगाववादियों ने उन्हें बम ब्लास्ट से उड़ा दिया। वो एक दर्दनाक दिन था, आज से सालों पहले वो घटा दिन आज भी देश के लोगों के जहन से नहीं जाता। परम दूर की वो घटना आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जब भी आती है। मुझे याद है कि मैं उस समय छोटा सा बच्चे की तरह था, और लिवाई में उस समय मैं मेरे रिश्तेदारों के यहाँ पर था जब ये घटना घटी। और मुझे याद है कि सुबह मैं खुद अखबार लेने के लिए भागा, जब ये अफवाह फैली कि राजीव गांधी की हत्या हो गई है, तो सभी घर वालों ने कहा कि अखबार लेकर आओ। मैं अखबार लेने के लिए लिवाई के बस स्टैंड पर पहुंचा, हम दो तीन बच्चे पहुंचे, देखे तो लोग वहां रो रहे थे, अखबार बेचने वाला भी रो रहा था। और मुझे आज भी याद है कि दैनिक नवज्योति ने वो खबर छापी थी, और बहुत पुरानी घटना है। और मैं अखबार लेकर भागा, और घर में ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जिसकी इस खबर के बाद उसके आंखों में आंसू नहीं, चाहे गली मोहल्ले हो, सब सुनसान हो गए थे। राजीव गांधी दिलों में बसने वाले नेता, ऐसे नेता सदियों में पैदा होते हैं, बिरले पैदा होते हैं, लोग उनको याद करते रहते हैं, लोग उनकी बताई हुई मार्ग पे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दूसरा राजीव जन्म नहीं ले सकता, वो जो राजीव गांधी थे वो दूसरे नहीं हो सकते, ये सत्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। ये कांग्रेस आज खड़ी है तो गांधी परिवार के इन्हीं चेहरों के कारण खड़ी है, इंदिरा हो, राजीव हो, इन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को एक नई जोश में भरने का काम करते हैं। आज लोग याद करते हैं, अशोक गहलोत के जहन में राजीव गांधी से जुड़ी बहुत सी यादें होंगी, फिर बसी हुई यादें होंगी, वो स्मृतियां होंगी, लेकिन राजीव गांधी फिर लौट कर नहीं आ सकते, ये सब जानते हैं। जैसे राजीव गांधी को हर साल इसी तरह याद किया जाता है, हर साल उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ते हैं, हर साल उनकी याद में सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है, हर साल राजीव गांधी के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने की बात होती है। लेकिन राजनीति बहुत बदल चुकी है जी, आज की राजनीति और उस राजनीति में मूल्यों का फर्क हो गया है। मूल्यहीन राजनीति आज दिखाई देती है, मूल्यवान राजनीति का गुण अब समाप्त होता जा रहा है जी।
योगेश, जैसे कि देखिए भी आपने वाक्य साझा किया कि जब इस बात की खबर लोगों को लगी थी कि राजीव गांधी की हत्या हो गई है, तब नम आंखें लोगों की देखने को मिली थी, हर कोई रोता हुआ नजर आ रहा था। और देखिए आज की भी अगर तस्वीर की बात की जाए तो आज भी कुछ इसी तरह का माहौल देखा जा सकता है। कोई भी राहुल गांधी को नहीं, राजीव गांधी को बुला नहीं पाया है, और राजीव गांधी को बुलाना मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से क्रांति की लहर वो लेकर के आए थे, जिस तरह से लोगों के लिए उन्होंने काम किया था, आपको याद होगा कि राजनीति में आने से पहले इंडियन एयरलाइंस में वो थे, उनके उस सफर को लेकर क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, राजीव गांधी कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते, उनकी माँ प्रधानमंत्री, उनके नाना देश के प्रधानमंत्री रहे, और अपने जीवन में उन्होंने अपने घर के अंदर महापुरुषों देखा, बड़े बड़े नेताओं को देखा, खुद वो अधून स्कूल में पढ़े थे, आपको ध्यान होगा कि अमिताभ बच्चन उनके साथ पढ़ा करते थे। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से पहली बार चुनाव लड़ाने का काम भी राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी की यादों को लेकर पतियों को अपने आप अब देखिए, आप भाषणों का दौर शुरू हुआ है जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटा सर आप जो बात कर रहे हैं जी, देख सकते हैं बिल्कुल। और देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से श्रद्धांजलि सभा इस समय चल रही है, और अब जैसा कि योगेश जी ने बताया कि भाषणों का दौर अब शुरू हो चुका है, सब लोग अभी अपने वाक्य साझा करेंगे, पर